अभी आपके सामने सूरह बकरा रुकू नंबर 4 आयत नंबर 34 से 37 तक तिलावत की गई है। इन आयतों का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान इबलीस के और वो काफिर हो गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जौजा जन्नत में रहने लगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजे जाने का वाक़या ज़िक्र करते हैं। उनसे जन्नत में एक खता हो गई और उस खता की वजह से उनको दुनिया में भेजा गया और फरमाया वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदू वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर्रु व मताउन इला हीन। अब तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब ज़मीन पर तुम्हारा ठिकाना है। चुनांचे तारीखी रिवायत से और मुफस्सिरीन के तफसीर से हमें ये बात मालूम होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जहाँ पर उतारा गया था वह हमारा ही गैर मुंतसिम हिंदुस्तान है, जो उस वक्त में सर आंधी और इस वक्त में श्रीलंका कहलाता है। यह आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारा अकीदा ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान भी है और सबसे पहले नबी भी है, और इस्लाम जो शुरू हुआ था वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ था। तो लिहाजा जब से ये दुनिया बनी है तब से हमारा ताल्लुक इस मुल्क के साथ है, तो हम इस मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसकी हकीकत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।